हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक हो गए। सो गाइज, आज जो है ना वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, वो है शीट मास्क। और वो शीट मास्क जो है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी शीट मास्क से, ठीक है? तो मैं आपको दिखाती हूँ वो शीट मास्क है ये, और इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से बबल्स आ जाते हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड कि जो है मैं इसको ट्राई करूँ और ये कैसा बबल्स वाला होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो वो मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो ये एक चाइनीज़ ब्रांड है कोई, और सब कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह चाइनीज़ में ही लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है? का जो है ऑयल कंट्रोल करता है और आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज करता है, इट्स क्लेम। बाकी जो है बहुत मतलब बेसिक से इसके अंदर यहाँ पे मेंशन है कि क्या क्या यूज़ होता है इसमें, सही है? तो बहुत बेसिक सी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। गाइस, है ना, दिखता कुछ इस तरीके से, एक बहुत नॉर्मल सी पैकेजिंग में आता है ये, ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने ओपन करने के लिए इस तरीके से भी दिया हुआ है। तो लेट्स ओपन इट, इसको टॉप से जो है ओपन करूंगी मैं। स्मेल इतनी कोई खास नहीं आ रही, थैंक यू मुझे। न्यू करना है और यू करना है। जूड़ा इस तो जूड़े के बाद जो है मेरा मुंह बहुत बड़ा बड़ा लगने लग जाता है, तो इग्नोर इट। हम बात कर रहे थे शीट मास्क की, तो शीट मास्क को निकालती हूँ। इसके अंदर तो ऑलरेडी बबल्स ये भी देखते हैं, सो एक्साइटेड। तो हाथ में लेके इतना फॉर्मी लग रहा है ये, शीट मास्क को जो है ना मैक्स आप जो 15 मिनट्स अपने फेस पर रखोगे, ठीक है? मुझे ना ये सेट करने में बड़ा दुश्वारी का सामना होता है। ये पहला शीट मास्क है जो मेरे फेस के ऊपर ना सही चढ़ा है। मतलब ये मेरे फेस के नाप का है। तो जो है मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लिया, और अब मैं आपको 15 मिनट्स बाद दिखाती हूँ कि इसके ऊपर बबल्स बने नहीं बने, और लेकिन इसके ऊपर बबल्स अभी से ही आ रहे हैं नहीं सी। तो बीच में जो है मैं आपको इसलिए ये दिखा रही थी कि देखें इसके ऊपर काफी हद तक बबल्स आ गए हैं, ठीक है? और जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो मेरी अजीब सी शोर हंगामे में आई, तो मैंने कहा वॉइस ओवर कर लेते हैं, ठीक है जी? तो या यही अपडेट है अभी तक की, तो के बबल्स जो हैं अच्छे खासे आए हैं, लेकिन आई वांट मोर बबल्स। तो यहाँ पे जो है मैं ये रिमूव करने लगी हूँ। अच्छा, जब मैं रिमूव करने लगी थी तो यार इसके ऊपर से बबल्स सारे हट ही गए थे। यार इसके ऊपर कोई ज्यादा बबल्स तो नहीं बने, बने हैं बबल्स लेकिन इतने ज्यादा कोई बबल्स नहीं बने इसके ऊपर। मतलब आई शो यू पिक्चर, जैसे पिक्चर में बने ना मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही चाहिए थे। लेकिन और जब ये मास्क उतारा तो फिर इसके जो बबल्स थे मेरे फेस पर, तो फिर मैंने उसको इस तरीके से मसाज करके मैंने कहा शायद ये हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, तो मैंने इसको एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करी। क्या फील हुआ है कुछ भी? और आप देख सकते हैं इस तरीके से एब्जॉर्ब हुए हैं। काफ़ी टाइम लगा था, फिर मुझे लगा कि मैं मुँह धो लूँ, क्या करूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज थी क्योंकि मैं खुद ही वाला फेस मास्क है फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, पहले इसको मसाज कर लेती हूँ, जो कुछ भी होगा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी देर बाद इसको किया था वॉश, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो बबल्स भी तो यार
स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब होंगे ना, ठीक है जी। तो इसको मैंने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया था। अच्छा, इसने ना मेरी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से ना हील कर दिया था, मतलब मॉइस्चराइज अच्छा किया था, बाकी ऐसा कोई काम नहीं किया था इसने। तो देख सकते हैं आप लोग कि मेरी स्किन के अंदर जो है ना बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गए हैं। आई फील सो चिप चिप। अभी मुझे समझ, तो ये शीट मास्क मैंने यूज किया, मुझे एक्सपीरियंस बस कोई इतना खास ही रहा। मॉइस्चराइज इसने मेरी स्किन को कर दिया है और थोड़ी सी ग्लोई भी लग रही है मेरी स्किन, सिर्फ और सिर्फ ग्लो ही लग रही है और मॉइस्चराइज हाँ किया है और चिप चिप हो रहा है। अच्छा, अगर आप इसको मेकअप से पहले यूज़ करोगे तो ये बहुत अच्छा आपका मेकअप जो है ना स्टिक हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी चिप चिप टाइप का है, मतलब स्टिकी है ये। कैन यू सी लाइक दिस, ठीक है जी। तो अगर आप इसको बिफोर मेकअप यूज़ करते हो तो इट्स वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद जो है अब आप इसको जो है रिजल्ट, तो ये एक कोई ऐसा ऐसा तो कोई वाइट नहीं रिजल्ट तो है इसका। हाँ, मॉइस्चराइज इसने मेरी स्किन को किया है, मेरी स्किन आप देख सकते हैं काफ़ी मॉइस्चराइज लग रही है। और ये सारे जो शीट मास्क वगैरह होते हैं आपको जो है मॉइस्चराइज ही करते हैं, ये सारे मॉइस्चराइज करने के लिए ही होते हैं आपकी स्किन को, ठीक है जी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो होपफुली लाइक करो। और जो है ना मुझे ये शीट मास्क, अगर मैं इसको आउट ऑफ 10 मार्क्स दूँ, अगर मैं शीट मास्क को आउट ऑफ 10 मार्क्स दूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कितने 4 मार्क्स दूंगी। या 4 मार्क्स इज ऑलमोस्ट ठीक है इसके लिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।